Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us. क्या आपने कभी साइफाई बुक्स और मूवीज में देखा है कि कैसे ह्यूमन स्पेस में ट्रैवल करते हैं फॉर कॉन्क्वेस्ट बिकॉज दे फाइनली मैनेज टू ब्रेक द लिमिटेशंस पोज्ड बाय नेचर. If yes, then you would be happy to know कि बहुत सारी स्पेस कंपनीज एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं टू मेक स्पेस ट्रैवल चीपर, फास्टर एंड ईजियर, ताकि हम अल्टीमेटली स्पेस में ट्रैवल कर पाए एंड फाइंड अ न्यू होम फॉर ह्यूमंस. द रीजन हाउएवर इज ड्रेडफुल. साइंटिस्ट को लगता है कि एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट बहुत जल्दी फ्यूचर में हो सकता है, सिमिलर टू द वन दैट किल्ड ऑल द डायनासोर्स. और जब ये इवेंट होगा तो अर्थ पे से पूरी ह्यूमन रेस वाइप आउट हो सकती है. तो हम लोग को जिस क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए वो ये कि क्या ह्यूमंस अर्थ के बाहर कहीं सर्वाइव कर सकते हैं. हमको सर्वाइव करने के लिए एनीवे क्या चाहिए होता है? एयर, वाटर एंड फूड, राइट? रॉन्ग. एयर, वाटर एंड फूड के अलावा भी हमारी बहुत सारी छोटी छोटी सी नीड्स होती हैं जो अर्थ में एक परफेक्ट बैलेंस में हम लोगों को मिलती हैं. इनफैक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर अराउंड अस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल. डिड यू नो दैट अगर तो हम लोग ज्यादा टाइम के लिए प्योर ऑक्सीजन में ब्रीथ करेंगे तो हमारे जो टिश्यूज हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्म होने स्टार्ट हो सकते हैं. Now we may not find a place exactly like Earth, but what are our best bets? Let us start with some of our neighbors. Mercury is the closest planet to the sun and has no atmosphere. दिन के टाइम पे मर्क्यूरी पे टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, विच इज हॉट इनफ टू मेल्ट इवन लेड. क्योंकि मर्क्यूरी पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो आपकी लंग्स के अंदर की सारी एयर बहुत ही जल्दी बाहर की तरफ पुल हो जाएगी, एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट यू विल बी बैडली पॉइजन बाय रेडिएशन फ्रॉम द सन. बट इट डजंट एंड देयर. मर्क्यूरी का डे नाइट साइकिल इज 58 अर्थ डेज लॉन्ग, एंड वहां पे रात का टेम्परेचर गोज एज लो एज -173 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो सन की जो हीट है वो ट्रैप हो ही नहीं पाती है. कंपेयर टू वीनस, लिविंग ऑन मर्क्यूरी विल फील लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. Completely opposite to the scenario on Mercury, Venus has a super dense atmosphere. First, वहाँ की जो air है वो 96% carbon dioxide है. Second, Venus का जो air pressure है that is 90 times more than the air pressure on Earth. This means that you will immediately be flattened by the atmosphere. Third, वहाँ का temperature is 460 degrees Celsius. और ये हमेशा ही इतना गर्म रहता है क्योंकि super thick atmosphere sun की बहुत सारी heat को अंदर trap कर लेता है. इनफैक्ट साइंटिस्ट भी हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ही आज तक वीनस पर एक प्रोब पहुंचा पाए हैं, और वो प्रोब भी मरने से पहले सिर्फ दो फोटोज ही ले पाया, विच आर द ओनली टू फोटोज दैट वी हैव द सर्फेस ऑफ वीनस टिल डेट. वीनस का अपर एटमोसफेयर एक नए तरीके का चैलेंज है. यहाँ पे हर टाइम विंड चलती रहती है, विच आर डबल द स्पीड ऑफ द मोस्ट पावरफुल हरिकेन्स दैट यू कैन फाइंड ऑन अर्थ, एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. यस, इज द सेम एसिड दैट वी यूज टू अनक्लॉग आवर ड्रेन्स. क्यूरियसली तो अगर तो आप वीनस की इन सभी डेंजरस लेयर्स को क्रॉस करके ऊपर तक पहुंच जाते हैं, देन यू विल फाइंड अ वेरी प्लेजेंट लिवेबल एनवायरमेंट. वीनस के सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स के ऊपर जो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस हैं, वो अर्थ के बहुत ही सिमिलर है. साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि वहां पे जो एयर कॉम्पोजिशन पाया जाता है दैट माइट एक्चुअली बी ब्रीथेबल बाय ह्यूमंस. इन सब रीजंस की वजह से साइंटिस्ट आर एक्चुअली डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमंस कोलोनाइजिंग वीनसेस हाई एटमॉस्फेयर बाय बिल्डिंग सिटीज दैट फ्लोट इन द वीनसेस एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. और क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा थिक एंड डेंस है तो इसीलिए चीजों को फ्लोट करना इजियर भी होगा, काइंड ऑफ लाइक शिप्स फ्लोट ऑन वाटर. Mars is basically cold in Antarctica, which looks like a desert, with the air that you can't breathe and the sun that radiates you to death if you're exposed to it for long. बट मार्स की कंडीशंस आर स्टिल रीजनेबल इनफ कि अगर तो आपने रहने के लिए एक हब बनाए और बाहर निकलने के लिए एक स्पेस सूट बनाए, देन यू माइट एक्चुअली सर्वाइव देयर विदाउट डाइंग. मार्स पर पानी भी है बहुत सारा, विच इज ऑल्दो लॉक्ड अप इन आइस ऑन द पोल्स, बट कुछ रीसेंट स्टडीज ये भी बताती हैं कि वहां पे लिक्विड वाटर भी है. ऑल्सो मार्स का एक दिन 24.5 आवर्स का होता है जिसमें ह्यूमंस एंड प्लांट्स इजिली सर्वाइव कर सकते हैं. वहां की ग्रेविटी 38% ऑफ द अर्थ, एंड एक्चुअली ह्यूमंस वहां पे नॉर्मली फंक्शन कर पाएंगे. इनफैक्ट हमारे पूरे सोलर सिस्टम का कूलेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी मार्स पर प्रेजेंट है, द टॉलेस्ट माउंटेन प्रेजेंट इन द एंटायर सोलर सिस्टम, द ओलंपस मॉन्स, व्हिच वुड मेक आवर पूर एवरेस्ट लुक लाइक अ लिटिल फुटहिल. मार्स के लिए इन सभी फेवरेबल चीजों की वजह से द एंटरप्रेन्योर एलन मस्क इज एक्चुअली ट्राइंग टू सेंड ह्यूमंस टू मार्स इन द कमिंग डेकेड, और उनकी कंपनी स्पेसएक्स इज ट्राइंग टू मेक दैट हैपन. अ क्विक फैक्ट, इन सभी प्लैनेट्स में से किसी के भी पास एक सॉलिड ग्राउंड नहीं है जहां पे आप लोग खड़े हो पाए. दे आर जस्ट गैस. द
तो साइंटिस्ट इन प्लैनेट्स पर रहने के बजाय जुपिटर एंड सैटर्न के मून्स पर रहने का सोच रहे हैं, विच एक्चुअली आर लार्ज एंड रॉकी। तो हमारे सोलर सिस्टम में तो इतने ही प्लैनेट्स हैं, बट डोंट फॉरगेट कि इस पूरे यूनिवर्स में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जिनमें से कुछ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी है, और इन स्टार्स के अराउंड में कुछ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्सोप्लैनेट्स, एंड दीस एक्सोप्लैनेट्स मे बी आवर नेक्स्ट बेस्ट बेट। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रोब्स यूनिवर्स में भेजे हैं एंड मिलियंस ऑफ इमेजेस कलेक्ट की हैं, एंड दीज इमेजेस सजेस्ट कि कुछ एक्सोप्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे ह्यूमन लाइफ सर्वाइव कर पाए। द टॉप वंस ऑन दिस लिस्ट आर केपलर 186f एंड केपलर 452b। केपलर 186f वाज डिस्कवर्ड बाय द केपलर टेलीस्कोप, एंड ये बहुत ही रिमार्केबल है क्योंकि इसका साइज अर्थ से काफी ज्यादा सिमिलर है, और ये अपने स्टार से एडिक्वेट डिस्टेंस पे भी है ताकि लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर पाए। ये अपने स्टार के अराउंड 130 डेज में रिवॉल्व करता है, और अर्थ के कंपैरिजन में यहाँ पर 30% ऑफ सनलाइट पहुंचती है, तो इट्स प्रोबेबली गोइंग टू बी अ लॉट कोल्डर, और हमको इसके एटमॉस्फेयर के बारे में भी अभी तक कुछ नहीं पता है, और इसके बारे में और कुछ पता लगाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अर्थ से 500 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस नाम के कॉन्स्टेलेशन में प्रेजेंट है। एनालिसिस ऑफ 3 years ऑफ डेटा वॉज रिक्वायर्ड टू फाइंड इट्स सिग्नल इन द फर्स्ट प्लेस। Lying in the same constellation as Kepler 186f, Kepler 452b हमसे 1400 light years दूर है। This exoplanet made a huge sensation क्योंकि ये Earth से बहुत ज़्यादा similar है। For one, ये भी अपने star के around 385 days में revolve करता है। जितनी sunlight इस planet तक पहुँचती है, that is almost the same as that received by Earth. But ये planet Earth के comparison में 50% ज़्यादा बड़ा है, जो थोड़ी सी problem की बात हो सकती है। एंड इवन अगर सब कुछ परफेक्ट हो एंड हम हमारे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट जो कि 56,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है उसमें बैठ जाएं, तब भी हमको वहां तक पहुंचने के लिए 26 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। बट पॉसिबिलिटी तो है कि जिस तरीके से अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई, वैसे ही इन दोनों एक्सोप्लैनेट्स पर भी हुई हो, क्योंकि कंडीशंस काफी हद तक सेम है। दिस मीन्स कि अगर तो हम कभी वहां पे फाइनली वन डे पहुंच जाएंगे, तो हमको कुछ वियर्ड एलियंस मिल सकते हैं। सो हालांकि ह्यूमंस अर्थ के बाहर भी बहुत सारी जगहों पर सर्वाइव कर सकते हैं, बट ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो हमको यहाँ से लेकर के वहां तक पहुंचाए, इसमें बहुत बहुत ज्यादा टाइम अभी लग सकता है। बट इस सब के बावजूद भी ये तो बहुत ही मुश्किल है कि हमको अर्थ की जैसी सारी परफेक्ट कंडीशंस किसी और जगह पे मिल जाए। लिक्विड वाटर, रूम टेम्परेचर, 1 atmospheric प्रेशर, जी इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, एटमोस्फेरिक प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, वाटरी रेन स्टॉर्म्स, लाइट ब्रीजेस, फूड एंड द एयर जिसमें हम लोग एक्चुअली सांस ले सकते हैं। ह्यूमन लाइफ इतनी ज्यादा डेलिकेट है कि आपको बहुत सारी चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए बाहर सिर्फ घूमने के लिए विदाउट योर स्पेस सूट ऑन। हम किसी दूर की गैलेक्सी में एक अर्थ ट्विन या फिर एक अर्थ सिबलिंग को तो जरूर ढूंढ पाएंगे, बट एक और अर्थ ढूंढना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो लेट अस ऑल अप्रिशिएट द लग्जरी ऑफ लिविंग ऑन अर्थ एंड ट्राई एट आवर ओन स्मॉल लेवल टू मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव इन। इफ दिस इंटरेस्ट यू एंड आप बाकी प्लैनेट्स पे ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिक्स जैसे कि ग्रेविटेशन, एवोल्यूशन, एनवायरमेंट और ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ना होगा। हमारे ऐप पे इन सभी की डिटेल वीडियोस प्रेजेंट है, सो डाउनलोड इट नाउ। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। For more such videos, subscribe to our channel. Thanks for watching. You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description.